अशोक गहलोत की एक बार फिर संवेदनशीलता सामने आई है। पुष्कर के रहने वाली एक पेशेंट जो कि कैंसर के इलाज के लिए अपनी मां के साथ करीब 15 दिनों से दिल्ली में इलाज के लिए भटक रही थी और पूरे भारत में लॉकडाउन के कारण उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा था और ऐसे में उन्होंने पुष्कर जाने का विचार बनाया। किसी तरह वो बस में बैठकर गुरुग्राम तक पहुंचे लेकिन वहां पर भी पुलिस ने लॉकडाउन के चलते उन्हें वापस भेज दिया। लेकिन चैनल पर खबर प्रसारित होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने अधिकारियों से इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद पीड़िता का एम्स में चेकअप कराया गया और उसके बाद इन्हें एम्बुलेंस से पुष्कर भेज दिया गया। कल बॉर्डर पे गए थे हम लोग, वहाँ पे गए थे जब है ना बॉर्डर पे मार रहे थे तो है ना वापिस आ गए हम लोग, तो वहाँ पे मीडिया वाले आए थे, उन्होंने पूछा था क्या हुआ इसके पाँव में, तो हमने बता दिया कि कैंसर है, तो उनकी उन्होंने करवाई फिर मदद। उन्होंने फिर सरकार से कौन कौन लोग आए आपके पास में, क्या किया? अभी तो कल से फ़ोन आ रहे हैं सर, अब बहुत सारे सर आए थे, इनने बहुत मेरी अच्छी तरह मदद की है कि रात को वहाँ बुलाया था वहाँ से अभी यहाँ लेके आए, अभी सुबह से हमारे साथ में घूम रहे, ब्लड जाँच करवाई थी, डॉक्टर को दिखाया था, वहाँ दवाई में भी लाइन लगाई वहाँ नहीं मिला तो फिर दूसरी जगह गए, वहाँ भी दवाई लेने गए हैं, फिर अभी भी साथ में घूम रहे हमारे साथ सर सब। सुबह से? हाँ सुबह से 8 बजे से हम वहाँ निकल गए थे, जब से हमारे साथ ही है ये सर। सरकार ने मदद की? हाँ सरकार ने मदद की है अभी, कि अभी हमारा जाने का साधन हो गया है यहाँ से। अच्छा, यहाँ से वापस भिजवाने की क्या व्यवस्था की है? अभी यहाँ से भी गाड़ी मिल गई है, राजस्थान से भी गाड़ी आई है, यहाँ से अभी अशोक गहलोत ने सर ने भेजा है गाड़ी कि भाई कि आपको आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, वहाँ जा सकते हो आप।